देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने आए हैं और 492 लोगों की मौत हो गई है। कल 30,757 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। देश में पिछले दिन 66,254 लोग ठीक हुए हैं। जानिए देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,92,092 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,905 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,19,77,238 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 174 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। कल 37,86,806 डोज दी गईं, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 174,64,99,461 डोज दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को अब तक 1.82 करोड़ से अधिक यानी कि 1,82,90,152 एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।